तो जैसे कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ बोरवेल है और इस बोरवेल के पूरे चारों तरफ इसमें क्या गड्ढा करवाए हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि इस बोरवेल में समरसेबल लगा हुआ था, इंस्टॉल था, जो यहाँ पर है, निकाला गया है, तो इसमें फंस गया था। तो फंसने का मेन कारण था है कि इस बोरवेल में पूरा बालू भर गया था, जितना बालू मिट्टी जो रहता है इसमें पूरा भर गया था। इसमें क्या हुआ था, एक कैसिंग पाइप जो है बीच में करीब 50 फीट के बीच में फट गया था। फटने के कारण क्या हुआ कि पूरा बोरिंग भर गया, और भरने से क्या हुआ कि पूरा मोटर जाम भी हो गया और पूरा ये फंस भी गया, मतलब ना निकल रहा था, ना ऊपर जा रहा आ रहा था, ना ही इसमें नीचे जा रहा था। तो इसमें चनकुप्पी वगैरह लगा के बहुत इसमें ट्राई किए यहाँ के मिस्त्री सब, नहीं हो पाया था। फिर इसमें क्या हुआ, फ्लशिंग के द्वारा निकालना पड़ा इसको, जिसका वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों कि इसमें देखिए, देख सकते हैं ये नॉर्मल बोरिंग है, तो इसमें एक्स्ट्रा अलग से इसमें कैसिंग पाइप डालना है, क्योंकि इसमें जो पाइप जो लगा हुआ है बोरिंग के दौरान जब लगा हुआ था, तो इसमें 50 फीट के बीच में क्या हुआ कैसिंग फट गया है, जिसके वजह से इसमें पूरा गंदा पानी उठा रहा है समरसेबल, और पूरा बोरवेल इसमें भर जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं, इसको जो बोरवेल किए थे, सॉरी फ्लशिंग जब किसने करवाए थे, तो इसका पूरा मिट्टी जो निकला है सामने, इधर देख सकते हैं कितना सारा इसमें मिट्टी निकला हुआ है, बाहर भी चलिए दिखाते हैं आप लोग को। देख सकते हैं दोस्तों, बोरवेल से इतना सारा बालू निकला इसमें पूरा। ये क्या हुआ कि जो केसिंग जो फटा, जिसके चलते से पूरा ये मरा हुआ जो ऐटा मरा पत्थर जो रहता है उसी का पूरा ये बालू है, पूरा पूरा यहाँ से लेके पूरा वहां तक निकला। इतना सारा बोरवेल भी क्लियर हो गया, अब इसमें केसिंग पाइप डालेंगे। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें ये बोरवेल में 135 फीट केसिंग पाइप पहले से इसमें लगा हुआ है, तो फिर ये इसमें 50 फीट में इसका डैमेज हुआ है, तो इसमें अलग से कैसिंग पाइप डालना होगा इस बोरवेल को बचाने के लिए। तो इसमें 4 इंची का कैसिंग पाइप लगाएगा दोस्तों, और ये पाइप जो रहेगा 5-5 फीट का रहेगा, तो इसमें टोटल 28 पाइप लगेगा, यानी कि एक पाइप रहेगा 5 फीट रहेगा, अगर 10 फीट का रहता तो यहाँ पर 14 पाइप में हो जाता, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ पर ढलाई है किया हुआ है, 10 फीट का स्पेस है तो लगाने में दिक्कत होगा, तो 5-5 फीट का जो पाइप रहता है इसको इसमें लगाएंगे। तो इस बोरवेल में मतलब डबल पाइप डालना होगा इसमें, तब उसके बाद इसका जो पानी का लेयर जो है, गंदा पानी जो आता है, वो पूरा बंद होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बने रहे, चैनल पे नए हुए तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसका मेन रीजन जो है गड्ढा करने का, तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो पाइप जो इसमें कनेक्ट था, देख सकते हैं, ये जब ये बोरवेल हुआ था तो इसका जमीन नीचे था। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये जो पाइप जो यहाँ लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पाइप लगा हुआ है तो करीब 3 फीट इसमें पाइप एक्स्ट्रा जोड़ा गया था। तो इसमें क्या हुआ, जब ये पाइप लगाया गया था तो क्या हुआ, टेढ़ा थोड़ा लग गया है, तो टेढ़ा लगने से कारण क्या हुआ कि इसमें कैसिंग पाइप फिर अलग से नहीं जाएगा, तो इसको सीधा करने के लिए पूरा ये गड्ढा करना पड़ा इसको। तो इस कैसिंग पाइप को सीधा करने के बजाय इसके जगह में नया पाइप डाल दिए, देख सकते हैं दोस्तों, कैसिंग पाइप जो है इसका टुकड़ा पाइप जो है यहाँ से जो लगा हुआ था उसको निकाल दिए। निकालने के बाद उसके बाद नया पाइप इसमें गर्म करके डाल दिए हैं, देख सकते हैं इसका मोटापा बहुत अच्छा है। और इसका टुकड़ा पाइप जो है दोस्तों यहाँ सामने बगल में ही रखा हुआ है, ये रहा टुकड़ा पाइप, ये भी पूरा एकदम ख़त्म हो गया था, टूट फूट गया था, तो इसको चेंज करके नया लगा दिया। अच्छा हुआ, अब इसको भर देंगे। अब उसके पहले क्या है कि इसमें जो केसिंग पाइप लगेगा तो हमारा आ चुका है, साथ में देखिए बारिश भी हो रहा है, तो ये पाइप जो है दोस्तों 5 इंची का पाइप है, और ये सॉरी 5 फीट का पाइप है, लंबाई 5 फीट का है, और ये 4 इंची का पाइप है, ठीक है। इसका डायमीटर से नापिएगा, पूरा 4 इंची रहेगा, पूरा मतलब अंदर की भाग, इसका अंदर का जो स्पेस रहेगा उसका 4 इंची रहेगा। तो देख सकते हैं इसमें टोटल हमारा 135 फीट इस बोरवेल में पहले से कैसिंग लगा हुआ था, तो सेम उतना ही इसमें कैसिंग पाइप लगेगा, पीवीसी कैसिंग पाइप। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इस कैसिंग पाइप में जाली मारा गया है, देख सकते हैं इसमें क्या है, कटिंग कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि पानी हमारा जो है इसके थ्रू से फिल्टर होते रहेगा और पानी इसमें आता रहेगा बोरवेल में, मतलब पानी की कमी नहीं होगा। अगर पूरा
पाइप डाल देंगे बिना जाली किए हुए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर से फट सकता है प्रेशर से, इसलिए कटिंग करके ये कर दिए हैं। तो इसमें तो सभी पाइप को कटिंग नहीं किया गया है, करीब 8 से 10 पाइप को कटिंग किया गया है, उसके बाद सभी पाइप वैसे ही है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये 1.25 इंची का GI पाइप देख सकते हैं सामने है, और इसमें एक देख सकते हैं चौड़ा RS टाइप का एक लगाया जा रहा है। इसका जो चौड़ापा जो है करीब जितना जो पाइप उसमें पहले से लगा हुआ है, जो पाइप इसमें 5 इंची का, उतना साइज का ये RS इसमें लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, इसको क्या करना है दोस्तों, इस बोरवेल में पाइप डालने से पहले इस जुगाड़ू को देख सकते हैं किस टाइप का है, ये देखिए ये जुगाड़ू सिस्टम है, खुद से ही इसका बनाया गया है अपने से दिमाग लगा के। अब इसको क्या है, बोरवेल में डालेंगे, इसमें इस तरह से पाइप जाएगा और इसमें रस्सी भी बांधेंगे। इस 10 फीट का जो GI पाइप है सबसे पहले लगा है, इसमें जुगाड़ू सिस्टम भी लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि दोस्तों नीचे जो हमारा 40 और 50 फीट के बीच में जो केसिंग फट गया है इस बोरवेल का, उसको क्या करना होगा कि उसको पहले क्लियर करना होगा। तो इस पाइप के थ्रू से इसमें देखिए, देख सकते हैं सबसे पहले नीचे GI पाइप डालें जो 10 फीट का है, उसके बाद फिर इसमें देखिए UPVC का जो थ्रेड पाइप रहता है 80 पाइप, उसको लगाया जा रहा है। तो ये पाइप हमारा टोटल 10-10 फीट का है, साथ में रस्सी भी बांधा गया है ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी रहता है, इससे कहीं फंस उस जाए तो पाइप के अलावा रस्सी से भी खींच सके। तो इसमें टोटल पूरा जितना भी केसिंग पाइप लगा हुआ है वहाँ तक इसको चेक करना होगा। ऐसे तो 40 और 50 के बीच में देख सकते हैं यहाँ फंसा हुआ है, देखिए ये हमारा अभी 40 और 50 के बीच में देख सकते हैं जाके रुक गया, ऊपर से साथी सब ऊपर से ठोक रहे हैं तो क्या हुआ, नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो पाइप जो है फट गया है पूरा। तो उस पाइप को पूरा एकदम सीधा करना होगा, उसके बाद ही इसमें दूसरा केसिंग पाइप जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है, इसमें 4-5 जन लगे हैं, ठोक रहे हैं लेकिन जा ही नहीं रहा अंदर, इतना मतलब ज़्यादा फट गया वहाँ पर। ज़्यादा फटने के कारण क्या हुआ है कि सीधा नहीं हो पा रहा है, देखिए कोशिश लगे हैं हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही मशक्कत के बाद क्लियर हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं अब यहाँ पर क्या है, पाइप अब जा सकता है, थोड़ा बहुत फंस रहा है क्लियर हो जाएगा, जब इतना क्लियर हो गया तो थोड़ा बहुत भी क्या है। तो पूरा 135 फीट तक पूरा चेक कर लेना है, उसके बाद निकाल के फिर से इसको इसमें पाइप डालेंगे।
जाना इसको पैदल चल गया। इसमें वापस पाइप को निकाला जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो 135 फीट पूरा चेक हो चुका है, अब कहीं पाइप डालने में दिक्कत नहीं करेगा। तो सभी इसमें जो पाइप लगा हुआ था सब निकाल ले रहे हैं। इसके पहले देखिए यहाँ पर केसिंग पाइप में रस्सी थोड़ा सा बांध दिया गया है ताकि नीचे जाए तो अच्छी से फंस जाए। ये सबसे नीचे जाएगा वो जिसमें जो रस्सी बंधा हुआ था केसिंग पाइप में। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर फिर अटक रहा है 40 से 50 फीट के बीच में, देख सकते हैं। निकालने जब निकाल रहे हैं पार्टी सब, यहाँ थोड़ा फंस रहा है। तो कोई तरह की दिक्कत नहीं करेगा केसिंग पाइप डालने में, वो क्लियर हो गया है। पूरा पाइप इसमें निकल गया है, देख सकते हैं इसमें सबसे नीचे क्या लगा हुआ था। तो इस जुगाड़ू सिस्टम से केसिंग पाइप को क्लियर किया गया है। अब इसमें केसिंग पाइप नया वाला जितना है सब लग सकता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कौन सा केसिंग पाइप लग रहा है। इसमें रस्सी से बांधा गया है, ये सबसे नीचे जाएगा। उसके बाद फिर एक एक करके सभी पाइप को इसमें थ्रेडिंग सिस्टम लगते जाएगा।
तो हमारा इसमें न्यू केसिंग पाइप डला गया है दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इस केसिंग पाइप को इस जुगाड़ू सिस्टम से क्या करना, दबाना है नीचे, और इतना ऊपर नहीं रहेगा, 20 फीट हमारा इस बोरवेल के नीचे रहेगा वो नया वाला केसिंग पाइप, क्योंकि उसके ऊपर जो है डबल केसिंग पाइप बोरिंग करते समय लग चुका है, तो हमारा 20 फीट नीचे रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं, तो इसमें इस जुगाड़ू सिस्टम से इसको पंचिंग करेंगे, पंचिंग करके सीधे इसको नीचे दबाएंगे, उसके बाद फिर इसमें समरसेबल नया लगा सकते हैं। नया नहीं, सेम वही पुराना ही समरसेबल लगेगा इसमें दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें पंचिंग करके और फिर उसके बाद टुकड़ा पाइप जो केसिंग पाइप लगेगा इसके ऊपर वापस इसको इसमें लगा देना है। केसिंग पाइप पूरा दब चुका है दोस्तों, अब इसको वापस निकाल ले रहे हैं, इस पाइप को 1.5 इंच का पाइप पूरा निकाल लिए। तो केसिंग पाइप हमारा पहले से 135 फीट से डला हुआ था, तो सेम ये वाला भी केसिंग पाइप 135 फीट से स्टार्ट हुआ, ऊपर ही मात्र 20 फीट छोटा। अब ये ऊपर वाला पाइप जो केसिंग पाइप टुकड़ा पाइप था वापस लगा दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।